हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्मार्ट एडी यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सब लोग को पता है कि सीबीटी एग्जाम 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इसको देखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो थे टर्नर के और सॉल्व कराने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सात उड थ्रेड का कोड क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 29 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। तो जो सात टूट थ्रेड होता है उसका जो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री होता है बटरस का, 29 डिग्री होता है एक्मे का जो लीड स्क्रूम लेथ मशीन की लीड स्क्रूम लगी होती है, 90 डिग्री होता है आपका स्क्वायर थ्रेड जो कि पावर ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सतह की बनावट में परिष्करण की दिशा क्या है। ऑप्शन नंबर ए खुरदरापन, ऑप्शन नंबर बी फ्ला, ऑप्शन नंबर बी ले, ऑप्शन नंबर डी विवनेश। तो सतह की बनावट में परिष्करण की दिशा जो है वो ले है हमारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री चिन्ह के लिए की क्वेश्चन नंबर थ्री चिन्ह के लिए खुरदरापन ग्रेड संख्या क्या है। चिन्ह के लिए खुरदरापन ग्रेड संख्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए N11, ऑप्शन नंबर बी N12, ऑप्शन नंबर सी N4 से N6, ऑप्शन नंबर डी N1 से N3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर है N1 से N3। क्वेश्चन नंबर थ्री चिन्ह के लिए खुरदरापन ग्रेड संख्या क्या है। तो जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है उसको देखिए और पहचान करिए, क्योंकि ऐसे ही फिगर वाला क्वेश्चन बराबर देता रहता है, हर एग्जाम में कम से कम 10 से 12 फिगर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उसको पहचान करिए। ऑप्शन नंबर ए N11, ऑप्शन नंबर बी N12, ऑप्शन नंबर सी N4 से N6, ऑप्शन नंबर डी N1 से N3। तो राइट आंसर N1 से N3। ठीक है, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन चिन्ह के लिए खुरदरापन ग्रेड संख्या क्या है। तो आपके होम स्क्रीन पे शो कर रहा है उसका पहचान करिए, ऐसे ही फिगर दे देगा पहचान करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए N7 से N9, ऑप्शन नंबर बी N12, ऑप्शन नंबर सी N4 से N6, ऑप्शन नंबर डी N1 से N3। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा N7 से N9। क्वेश्चन नंबर फाइव टरेट को माइक्रोन लेवल में मूव करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है। टरेट को माइक्रोन लेवल में मूव करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जॉग मोड, ऑप्शन नंबर बी ऑटो मोड, ऑप्शन नंबर सी MDI मोड, ऑप्शन नंबर डी। तो जो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंक्रीमेंटल मोड। क्वेश्चन नंबर छह प्रोग्राम कमांड के हम किस मोड में मैनुअल रूप से इनपुट कर सकते हैं। ऑप्शन ए MDI मोड, ऑप्शन बी एडिट मोड, ऑप्शन सी ऑटो मोड, ऑप्शन डी जॉग मोड। तो जो इसमें प्रोग्राम कमांड को हम मैनुअल रूप से इनपुट कर सकते हैं MDI मोड में, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन मिमी में डेटा इनपुट के लिए कौन सा जी कोड उपयुक्त है। तो मिमी में जो हमारा डेटा इनपुट के लिए होता है वो हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए G27, ऑप्शन नंबर बी G28, ऑप्शन नंबर सी G20, ऑप्शन नंबर डी G21। तो इसमें जो होगा हमारा G21 होगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट है प्रतीक द्वारा इंगित विशेषता क्या है। जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है उसकी विशेषता पूछ रहा है, ऐसे ही फिगर आएगा समझ लीजिए। तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी कंसेंट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर सी गोलाई, ऑप्शन नंबर डी समानता। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका पोजीशन, जो फिगर में दर्शा रहा है स्क्रीन पे पोजीशन आंसर है। क्वेश्चन नंबर नौ टेलीस्कोपिक गेज से बोर का अधिकतम आकार मापा जा सकता है। पिछला जो शिफ्ट कराए थे उसमें भी ये था क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 53.9 mm, ऑप्शन नंबर बी 88.9 mm, ऑप्शन नंबर सी 152.4 mm, ऑप्शन नंबर डी 31.7 mm। तो इसमें जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 152.4 mm राइट आंसर, इसलिए शिफ्ट में भी क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, थ्रेड के लिए किस भाग का उपयोग थ्रेड को चेक करने के लिए किया जाता है। थ्रेड के लिए किस भाग का उपयोग थ्रेड को चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्रॉस लाइट, ऑप्शन नंबर बी
चेजिंग डायल, ऑप्शन नंबर सी स्टाफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी टूल पोस्ट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका चेजिंग डायल। ठीक है, करते चलिए सारे क्वेश्चन को रट लीजिएगा। लैपिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए सटीक परिष्करण संक्रिया, ऑप्शन नंबर बी ग्राइंडिंग संक्रिया, ऑप्शन नंबर सी चिजलिंग संक्रिया, ऑप्शन नंबर डी फिलिंग संक्रिया। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर होगा आपका सटीक परिष्करण प्रक्रिया, मतलब एकदम फिनिशिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से लव टूल सामग्री उदाहरण कौन सा है? लव टूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी हीरा, ऑप्शन नंबर सी उच्च कार्बन इस्पात, ऑप्शन नंबर डी स्टेलाइट। तो जो इसमें लोहा लोहे की मात्रा जिसमें पाई जाती है वो उच्च कार्बन स्टील यानी हाई कार्बन स्टील में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कॉपिंग अटैचमेंट में एक चौरा चिन्ह भाग को क्या कहते हैं? तो जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, ध्यान दीजिए, जो स्क्रीन शो कर रहा है उसको पहचानिए, उसको क्या कहते हैं, जो इसमें एक चौरा चिन्ह भाग है उसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए रियल टूल स्लाइड, रियल टूल स्लाइड, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलिक स्लाइड के लिए नियंत्रण लीवर, ऑप्शन नंबर सी मास्टर प्रोफाइल, ऑप्शन नंबर डी स्टाइलस। तो ऑप्शन नंबर डी जो स्टाइलस है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिक हार्ड कठोर मटेरियल जैसे कि ग्लास, कांच, नॉन फेरस अलोह मटेरियल प्लास्टिक को काटने के लिए कौन सा टूल उचित उपयोगी होगा, मतलब उचित होगा? ठीक है, कोई मेटल है, प्लास्टिक है, कांच है, मतलब बहुत ज्यादा टफ है, हार्ड है, सॉलिड है, तो उसको काटने के लिए हम लोग किस चीज मेटल का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए डायमंड यानी हीरा, ऑप्शन बी सिरेमिक, ऑप्शन सी स्टेलाइट, ऑप्शन डी कार्बाइड। तो इसमें से जो सबसे हार्ड होगा डायमंड, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फिक्स्ड स्टडी रेस्ट में कितने समायोजन बोरिंग पैड होते हैं? जो फिक्स स्टडी रेस्ट होता है हमारा वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें 3 समायोजन पैड रहते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा 1, 2, 3 करके ऐसे समायोजन पैड रहते हैं। ठीक है, फिक्स स्टडी रेस्ट में ऐसे रहते हैं। ठीक है, जो फिक्स स्टडी रेस्ट में कितने समायोजन पैड होते हैं? 3, ऑप्शन बी राइट आंसर। इस उपकरण का क्या नाम है जो आपके फोन पे शो कर रहा है होम स्क्रीन पे, उस उपकरण को पहचानिए और उसका नाम बताइए। ऑप्शन ए बोर डायल गेज, ऑप्शन बी टेलीस्कोपिक गेज, ऑप्शन सी प्लग गेज, ऑप्शन डी डेप्थ गेज। इसमें होगा ऑप्शन बी टेलीस्कोपिक गेज। क्वेश्चन नंबर 17, एमडीआई का पूर्ण रूप क्या है? एमडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एमडीआई का पूर्ण रूप क्या है? मैनुअली डाटा इनपुट, ऑप्शन डी राइट आंसर। मैनुअली डाटा इनपुट एमडीआई का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 18, सीएनसी लेथ मशीन पर टरेट हेड का उद्देश्य क्या होता है? जो सीएनसी लेथ मशीन होती है उसमें जो टरेट हेड होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए यह कटिंग टूल को पकड़ता है, ऑप्शन डी यह लंबे वर्कपीस को पकड़ता है, ऑप्शन सी यह वर्कपीस को पकड़ता है, ऑप्शन डी यह चूड़ी को काटने के दौरान वर्कपीस को गाइड करता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा यह कटिंग टूल को पकड़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 19, का सीएनसी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनसी का जो पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, जो है प्रोग्राम को एडिट करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है? तो प्रोग्राम को एडिट करने के लिए, ये पिछले सेट में भी कराए थे, प्रोग्राम को एडिट करने के लिए एडिट मोड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा टर्नर का सेकेंड शिफ्ट में होने वाला 20 क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपको 18 क्वेश्चन और कराएंगे, टोटल 38 क्वेश्चन आए थे एक सेट में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।